जो भोजन का अधिकार वैसे तो अभी अध्यादेश के माध्यम से आया, ऑर्डिनेंस के माध्यम से आया है, लेकिन 6 महीने के अंदर इसको पार्लियामेंट की स्वीकृति मिलेगी, सभी दलों का सहयोग मिलेगा, ऐसी हमें पूर्ण कामना भी है और विश्वास भी। और किस तरीके से ये भोजन का अधिकार आम आदमी के जीवन में, जो हमारी एक बड़ी आबादी है, उसको राहत भी देगा और उसको ताकत भी देगा, एक बहुत बड़ा फैसला मैं समझता हूँ कि केंद्र की सरकार ने लिया है। और ये जो भोजन का अधिकार है, इसके साथ साथ आज हम सब जानते हैं कि पूरे देश में पीडीएस का जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जो राशन शॉप है, उसमें एक बहुत बड़ा हमारे सबके सामने संकट है। आज भी 25 से 30% लीकेज होता है, उसमें गड़बड़ी होती है, घोटाले होते हैं, गड़बड़ होती है। तो सरकार की एक प्राथमिकता ये रहेगी कि इसके दो फोल्ड हैं, एक तरफ तो आप आम आदमी को खाना देना चाहते हैं, भोजन देना चाहते हैं अधिकार के माध्यम, दूसरा जो करप्शन है पीडीएस के अंदर उसको टैकल करना चाहते हैं। ये है कि वहां पर चाइना में 3.93 ऑफ द जीडीपी, 3.93% जीडीपी का एजुकेशन के ऊपर खर्च होता है। आज यूपीए ने 4.2% ऑफ द जीडीपी एजुकेशन के ऊपर खर्च किया, तो चाइना से हम आगे हैं, हमें और कोशिश करनी है। आज भी एजुकेशन हमारा मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है, और इसीलिए सोशल सेक्टर में इतना निवेश हो रहा है, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे पेंशन हो, दूसरी चीजें हो, तो ये सरकार लगातार इस कोशिश में है। एक बात सबको माननी पड़ेगी इस देश में कि पिछले 8 से 9 साल के अंदर जो पॉवर्टी है, जो गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं, वो ऊपर उठे हैं, पॉवर्टी देश में कम हुई है और तेजी के साथ कम हुई है। जो एनडीए के समय में अनुपात था वो परसेंटेज में आप देख सकते हो, उनके टाइम में मेरे ख्याल से 1 पॉइंट कुछ रेट थी, उसकी दर से ये कम हो रही थी। कांग्रेस के कार्यकाल में एवरेज जो है 2% की रेट से ये कम हुई है। कहें कि एक समान हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूंसी विद इन कॉन्स्टिट्यूंसी क्या हम एक समान कर सकते हैं क्या? जब विद इन कॉन्स्टिट्यूंसी हम बिल्कुल समान रूप से नहीं कर सकते, कुछ लोकेशन ऐसी होती है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन, अब जैसे सिरसा है, सिरसा में जो चीजें आएंगी, अब राजीव आवास योजना अगर हम चाहें कि वो डबवाली में आ जाए, अगर हम चाहें कि वो कालावाली में आ जाए, उसके अपने मापदंड और क्राइटेरिया होते हैं। इसी तरीके से जो महत्वपूर्ण सेंटर है ग्रोथ के, उसके साथ जो लगता हुआ इलाका है, जो एनसीआर रीजन में है, उसके फंडिंग के प्रावधान अलग है। और मैं समझता हूँ कि अगर गुड़गांव की बात करें तो मैं समझता हूँ कि गुड़गांव में तो बहुत ज्यादा, अगर आप अनुपात करेंगे तो गुड़गांव में तो मैं नहीं समझता 19-20 और कोई कॉन्स्टिट्यूंसी बोले तो बात अलग है, लेकिन ये जो दिल्ली के नजदीक जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, चाहे वो फरीदाबाद हो, चाहे वो गुड़गांव हो, चाहे रोहतक झज्जर हो, चाहे वो सोनीपत हो, या अंबाला के साथ का जो पूरा लगता हुआ एरिया है, वो स्वतः उसको ज्यादा एडवांटेज मिला है इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि हर आदमी ये चाहता है, जो भी बड़ी बड़ी फैक्ट्री आए, कोई भी रहने के लिए जाए, नौकरी पेशा करता, तो बड़े शहरों के साथ धीरे धीरे, जैसे गांव का उठ करके कोई भी व्यक्ति, अगर कोई मान लीजिए हमारे किसी भी रिमोट गांव का, गंगा गांव का है, तो वो चाहेगा कि डब्बाली रहे, वो आएगा कि बच्चे अगर थोड़ा बहुत व्यापार वगैरह उसने शुरू किया तो वो, तो इसी तरीके से मूवमेंट जो है शहरों का वो ज्यादा तेजी के साथ तरक्की हो रही है, ये बिल्कुल निश्चित बात है। लेकिन यूपीए के समय में जितना गांव का विकास हुआ और जितने गांव को फोकस दिया गया है, इतना मैं नहीं समझता कि किसी भी समय में इतनी महत्वपूर्ण योजनाओं के माध्यम से। वैसे तो हम